डीन ने कहा सेथ को, मुझे माफ कर दो, साथ ही साथ क्या ब्रांड्स एक हो सकते हैं और जानेंगे कि बैकी लिंच की हालत अब कैसी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG तो गाइस, सबसे पहले बात करी जाए बैकी लिंच की। तो बैकी लिंच को 2 हफ्ते हो चुके हैं कि उन्होंने कोई भी फाइट नहीं की है। रीजन आप जानते हैं, दरअसल बैकी हो गई थी रॉ के अंदर इंजर्ड, जो कि सर्वाइवर सीरीज से पहले की रॉ थी, जहां दोस्तों नाया जैक्स ने उन्हें पंच मारा था। वेल, उसी के चलते उन्हें एक इंजरी आई है और वो फाइट नहीं कर सकती। लेकिन अभी के लिए बैकी लिंच की क्या हालत बताई जा रही है, तो गाइज लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अनुसार बैकी लिंच की रिटर्न डेट अभी तक सामने नहीं आई है और अभी तक उनका रिटर्न एक अधर में लटका हुआ है। और यहां माना यह जा रहा है कि अभी उन्हें WWE वेट लिस्ट में डाल सकता है, जैसे कि एलेक्सा ब्लिस को डाला हुआ है। और ये काफी बुरी चीज है, क्योंकि वो स्मैकडाउन की वुमन चैंपियन है और ऐसे में कम्पीट नहीं करती है, तो उसमें हमारा ही नुकसान है जो कि ऑडियंस है। लेकिन दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे टॉपिक की, जो कि जुड़ा हुआ है रॉ और स्मैकडाउन के एक होने से। तो काफी समय हो चुका है कि रॉ और स्मैकडाउन अलग अलग हुए हैं। कई लोग देखना चाहते हैं कि रॉ और स्मैकडाउन फिर से एक हो, क्योंकि इससे कई रेसलर्स, कई ड्रीम मैचेस हमें देखने को मिलेंगे, कई पॉसिबिलिटीज दोस्तों से उभर जाएगी। लेकिन यहां दोस्तों, क्या ये एक हो सकते हैं कि नहीं, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब मैं आपको अभी इसी वक्त देने वाला हूं। दोस्तों, आज एक बड़े व्यक्ति ने इसके ऊपर स्पेकुलेशन की, इसके ऊपर विचार किया, और उनका नाम है डेव मेल्जर। डेव मेल्जर के बारे में इस चैनल पर मैं काफी बार बता चुका हूं, काफी बड़े विशेषज्ञ है वो रेसलिंग जगत के, और उन्होंने बताया कि वाकई में ये ब्रांड्स एक हो सकते हैं कि नहीं। तो इस पर दोस्तों उन्होंने बताया कि जो फॉक्स नेटवर्क है, जिसके ऊपर स्मैकडाउन जाने वाला है, वो कभी भी रॉ और स्मैकडाउन को एक नहीं होने देगा, क्योंकि दोस्तों जो रॉ को एडवर्टाइज कर रहे हैं, जो रॉ के टैलेंट्स को अपने नेटवर्क पे दिखा रहे हैं, वो है आपके NBC यूनिवर्सल, जो कि एक अलग नेटवर्क है। वहीं दोस्तों स्मैकडाउन को आगे जाके जो एडवर्टाइज करेगा, वो होने वाला है आपका फॉक्स नेटवर्क, यानी कि फॉक्स नेटवर्क के ऊपर WWE आया करेगी US के अंदर। तो ऐसे में फॉक्स नेटवर्क किसी दूसरे ब्रांड के टैलेंट्स को अपने ब्रांड के ऊपर एडवर्टाइजर नहीं करना चाहेगा, और ऐसे में दोनों ब्रांड्स एक हो ही नहीं सकते। तो गाइज, आगे फ्यूचर में इसकी बेहद कम पॉसिबिलिटीज रहेगी कि दोनों ब्रांड्स फिर से एक हो, क्योंकि अब फॉक्स नेटवर्क पर आएगा स्मैकडाउन और रॉ का पता नहीं। लेकिन दोस्तों, अब हम बात कर लेते अपनी तीसरी खबर की, जो कि जुड़ी हुई है लुनेटिक फ्रिंज डीन एम्ब्रोस से। तो डीन एम्ब्रोस ने हाल ही में सेथ रॉलिंस से अपॉलोजी मांगी, उन्हें कहा I am sorry, मुझसे गलती होगी। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों दोनों के बीच में बैड ब्लड है। दरअसल मामला रहा है इस बारी की रॉ का, अब आप और चिंतित हो जाएंगे, क्योंकि आपने रॉ में देखा कि वहां डीन एम्ब्रोस ने पहले तो शब्दों के बाण चलाए सेथ रॉलिंस के ऊपर, और उसके बाद डर्टी डीड्स लगाए, तो आखिर अपॉलोजी थी कहां। तो दोस्तों ये चीज नोटिस की वहां बैठे एक फैन ने, उस फैन ने देखा कि डीन एम्ब्रोस पहले डर्टी डीड लगाते हैं सेथ रॉलिंस को, उसके बाद बाहर जाते हैं और फिर से वो वापस आकर एक और डर्टी डीड लगाते हैं, लेकिन वो मूव लगाने से पहले वो कहते हैं I am sorry और उसके बाद वो मूव लगाते हैं। ये चीज अब आप सोचेंगे क्यों हुई, ये चीज इसलिए हुई दोस्तों कि डीन एम्ब्रोस मनी मन सेथ को अभी भी पसंद करते हैं। दोनों की दोस्ती तो दोस्तों वैसे ही बनी रहेगी, लेकिन डीन को वो मूव मारते हुए काफी बुरा लग रहा था, और यहाँ वो हल्के से आउट ऑफ कैरेक्टर चले गए। वेल, जो भी था आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यहां मैंने छोटी सी क्लिप ये डाली, क्योंकि कॉपीराइट आ जाना था अगर मैं फुल क्लिप डालता, लेकिन स्टिल आप अगर ढंग से सुनेंगे तो आप जान जाएंगे यहां डीन ने I am sorry कहा। तो गाइज, डीन एम्ब्रोस ने सॉरी तो कह दिया है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी राइवलरी खत्म होगी, उनकी राइवलरी और बढ़ेगी। खूब बैड ब्लड इनके बीच में होगा, खूब जानी दुश्मनी इनके बीच में पनपेगी, और मैच जाएगा TLC के अंदर। और TLC के अंदर आप किसे सपोर्ट करने वाले हैं, क्या डीन एम्ब्रोस को सपोर्ट करेंगे या फिर करेंगे सेथ को, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूले। और वीडियो में कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूले। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ बखैर।